मानिकपुरा कस्बे के इंद्रानगर मोहल्ले में विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पे हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, उनकी मांग पूरी न होने पर उन्होंने हत्या कर दी। तरोहक कवि की रहने वाली माला की शादी 7 माह पूर्व 2 मई 2022 को इंद्रानगर में पवन पुत्र विजय से हुई थी। पिता ने बताया कि मेरी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वाले एक मोटरसाइकिल और एक सोने की चैन की मांग कर रहे थे। मेरे द्वारा न दे पाने के कारण 3 दिन पूर्व 5 जनवरी को उसको मार दिया गया। जानकारी मिलने पर हम जब लड़की के ससुराल इंद्रानगर पहुंचे तो हमें लड़की को नहीं देखने दिया। हम लोगों ने पहले कई बार दहेज देने की हैसियत न होने के बारे में समझाया था, लेकिन लड़की की ननद पूजा, सास कुंती और लड़की का पति पवन नहीं माने और हमारी लड़की की हत्या कर दी। पिता ने ससुराली जनों के विरुद्ध मानिकपुर कोतवाली में लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसा शादी हुई थी, दहेज मांग रहे थे, एक चैन 2 तोला की, एक गाड़ी, तो उसको देने में ही नहीं, लड़की कई बार बताई थी दे नहीं पाए। वो बोल रहे थे कि आप नहीं देंगे जो चैन और वो गाड़ी तो हम तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे। क्या हो गया, कल लड़की ख़त्म हो चुकी, जो उसकी बहन पता पाई थी उसी ने हमें बताया, फिर हम आए देखे थे, यहाँ ख़त्म हो चुकी।